मूर्तियां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का संहार करना पड़ेगा। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी होती तो आज ये नहीं भोगता। बजरंग मुनि से भी खतरनाक बयान दिया है इन्होंने। हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री भगवाधारी जगत गुरु परमहंस आचार्य बनेंगे। भारत के जिहादी जो 15 करोड़ है ये खाए जा रहे थे, जिसे एक बार कहा, हमने कहा आप सब कुछ करिए, शुक्रवार के दिन 1 घंटे के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए जिहाद में। ये खुलेआम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमको जुमे के दिन 1 घंटे के लिए पीएम बना दीजिए, तब हम फिर जिहादियों को खत्म कर देंगे। क्या मोदी जी इसके साथ है? तो बोले शुक्रवार को क्यों भैया, और दिन क्यों नहीं? हमने कहा शुक्रवार के दिन आसानी से जितने जिहादी भारत के हैं वो आसानी से उनकी जगह हमको फिक्स है कहां। यानी इनका साफ साफ कहना है कि मोदी जी से इसकी बात भी होती है और मोदी जी इसको कुछ बोले नहीं, मोदी जी इसकी बात सुन करके चुप रह गए। ये खुलेआम जुमे के दिन पीएम बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, ताकि जुमे के दिन मुसलमानों को ये आसानी से ख़त्म करें, क्योंकि जुमे के दिन मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। इस तरह से खुलेआम मुसलमानों के लगातार नरसंहार की बात की जाती है, फिर भी खुलेआम ये भगवा आतंकवादी घूम रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। इस देश के अंदर कुछ लोगों को संविधान से चलता हुआ राष्ट्र पसंद नहीं आ रहा है। वो लोग मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ना। और देश की मीडिया का रवैया तो आप जानते ही हैं, सुबह 8 से रात 9 बजे तक सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुर्गा लड़ाना इन लोगों का काम है। दो मुर्गे बिठाते हैं हिंदू के नाम पर और एक मुसलमान के नाम पर, और वो दोनों मुर्गे आपस में लड़ते रहते हैं। यही काम है इस देश की मीडिया का। बहरहाल हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने वाले और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप भूल गए शायद वो दिन जब बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल के अंदर रख दिया गया था। तो इस देश की आजादी में जितना योगदान हिंदू भाई का है उतना ही मुस्लिम, सिख और ईसाई का ही है। तो इसलिए राष्ट्र सभी का है, तो सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर इस राष्ट्र में रहना चाहिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।